मैं चला जाऊंगा। याद है तुमने कहा था उस अंधेरे रास्ते पे चलते हुए, मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर के लिए नाराज हो और रास्ते पे अकेला छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। तुमने तो शायद जिंदगी से दूर जाने की बात कही थी। हाँ अब तुम्हारे भी दिल में जज्बात तो नहीं रहे, लेकिन ना जाने क्यों आज भी मेरी डायरी, गुलाब के सूखे पत्ते, शब्द और तुम्हारा जिक्र कभी कभी हो जाता है। कुछ लोगों का सवाल भी होता है कि कैसे तुम दोनों, सब अच्छा चल रहा है ना, और मेरा जवाब होता है कि अब साथ नहीं है हम। तुम कहा करते थे ना कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे और मेरे बीच में जरा सी भी नफरत आए। वैसे नफरत, इश्क, प्यार, मोहब्बत इन सब का तो पता ही नहीं लगने का तुमने। पूरे रिश्ते में तो ऐसे था जैसे कुछ था ही नहीं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी वो छोटी बहन की तस्वीर? वो आज भी कभी कभी कुछ चैट्स में मेरे दिख जाया करती है। भगवान में थोड़ा कम भरोसा रखा करते थे ना तुम। लेकिन याद है जब तुम्हारी उसी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तुमने और मैंने साथ सोचा था कि गुरुद्वारा जाके साथ सिर झुकाएंगे। खैर वो वादा भी मुझे अकेले ही पूरा करना पड़ा। आज भी अगर कभी कभी तुम्हारी तस्वीर सामने आ जाती है ना, तो सांसें जल्दी से धीमी हो जाती हैं। ऐसे लगता है गहरी सांस लेनी पड़ेगी, और गहरी सांस लेके मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं 5 अक्टूबर 2018 की वही लड़की फिर बन पाती, जिस लड़की को तुमने अपनाया था, जिसे तुमने वो सारी बातें कही थी, जिसे तुमने आई लव यू कहा था। अब तुम मुझे याद नहीं करते, तुमने मुझसे जुड़ी हर चीज को खुद से दूर कर दिया, शायद मुझे भी। लेकिन इन सब के बावजूद बे इंतहा बेशर्मी से मुझे एक बात की बेहद खुशी होती है, पता है क्या? तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम हमेशा से खुशियों में समाया गया। उसका नाम खुश था, खुश, लेकिन उसने मुझे कभी खुशी नहीं दी। तुम्हारा नाम हमेशा से खुशियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे हिस्से में तो खुश के नाम का एक गम आया था। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि 2018 में कभी तुम्हारा और मेरा नाम साथ जोड़ा गया था। इस खुशी के सामने दर्द कुछ भी नहीं। थैंक यू।